इधर की साइड बिल्कुल ही निःशुल्क है। अपन लोग इधर की साइड एंट्री लेंगे ना, तो सबसे पहले एंट्री लोगों तो यहाँ पे और भी सारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ और भी बोर्ड ये सब लगेगा, जो कि यहाँ से एकदम आएंगे रेत वाला ढाल से, फिर इधर के साइड से एकदम आगे जाएंगे, फिर अपना बाबा धाम का मंदिर में ना। तो टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ, 1, 2, 3 और फिर 4, 5, 6, 7, 8 रो में, प्लस एक्स्ट्रा बेड भी उधर लगा हुआ है, वो भी सिर्फ एक रो में। मतलब आप लोग काउंट कर सकते हो कितना है। ये सारा टॉयलेट है, स्नान करने का भी सुविधा इधर दिया हुआ है। ये देखो इधर बन रहा है स्नान करने वाला, प्लस पीछे के साइड से भी स्नान करने वाला। तो ये इधर स्नान करने वाला थोड़ा सा कम होता है, लेकिन टॉयलेट ज़्यादा क्वान्टिटी में दिया गया, क्योंकि टॉयलेट का यूज़ ज़्यादा होता है स्नान करने में, मतलब मैनेज हो जाता है स्नान में, इसी कारण से इसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, ये नल चालू किया हुआ है फिलहाल, बट यहाँ से पानी लेके जाएगी। अंदर पानी अलाउ होगा ना नहाने का? अंदर पाइप जाएगी या फिर यहाँ से पानी लेके जाना है? अंदर भी पाइप जाएगी ना, सो यहाँ से कनेक्शन होगा शायद, यहीं से अंदर जाएगी सारा वॉशरूम। ये देखो ये टॉयलेट है, मैंने बोला था ना आगे पीछे दोनों के साइड से, तो क्वांटिटी इसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा ही चाहिए। जैसा कि देख सकते हो ये दूसरा वाला है निःशुल्क, बिल्कुल ही बिना पैसा का, आप लोग यहाँ पे भी रह सकते हो। जैसा सो हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। अभी अपन लोग आ चुके एक और फिर से कोठिया मोड़, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कोठिया मोड़ पे यहाँ पे लाखों लोगों को रहने का निःशुल्क सुविधा मिला है। तो मैंने आपको सिर्फ बेड दिखाया था, रहने का अच्छे तरीके से नहीं बताया होगा, बट आज मैं आपको कंप्लीट टूर करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ यही एक नहीं है, कोठिया मोड़ में एक जगह और भी बना है, वहाँ भी है, प्लस यहाँ पे बेड तो रहने का है ही, सोने का। यहाँ पे टॉयलेट है, बाथिंग है, नहाने के लिए बाथरूम है अलग से, तो सारा कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, बस वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलो अभी आपको ना अंदर के साइड लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं इधर का नज़ारा। फाइनली गाइस इधर की साइड देखो, ये कोठिया मोड़ है, इसको कोठिया मोड़ बोलते हैं। और फिर इधर फील्ड देख रहे हो, कितना ही बड़ा वाला फील्ड है। और उधर साइड देखो ना, तो उधर एक और निःशुल्क रखने का व्यवस्था किया गया, और इधर की साइड बिल्कुल ही निःशुल्क है। अपन लोग इधर की साइड एंट्री लेंगे ना, तो सबसे पहले एंट्री लोगों तो यहाँ पे और भी सारा जब कम्प्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ और भी बोर्ड ये सब लगेगा, जो कि लाइटनिंग वाला होगा, और भी डिसेंट सा लुक देगा, बहुत ही प्यारा लुक देगा। तो एंट्री लो, तो यहाँ पे एक गार्ड अंकल मिलते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं है, बट हाँ इधर देखो ना, तो टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ, 1, 2, 3 और फिर 4। एक ब्लॉक में अगर बेड की बात करो ना, तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, एक रूम में नहीं भी मानो तो 75 to 80 बेड होगा, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 रूम है टोटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूम है, प्लस एक्स्ट्रा बेड भी उधर लगा हुआ है, वो भी यूज होगा जब ज़्यादा आ जाएंगे ना श्रद्धालु लोग, जो भी हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे बम लोग, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बेड आपको मिलेगी, सुविधा मिलेगी यहाँ पे। प्लस इधर के साइड देखो तो और भी अच्छा जोरों शोरों से काम चल रही है, और भी कुछ टेबल ये सब लगाया जा रहा है, प्लस बेड ये सब और भी एक्स्ट्रा है। और इधर के साइड देखो तो पानी का 2-2 टंकी, प्लस ये छोटा छोटा सा कुछ, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो बस ये बेड कुछ है ऐसा। और फिर मैं आपको पीछे के साइड से ना इसका टॉयलेट दिखाता हूँ, टॉयलेट कितना है अराउंड। मैंने जहाँ तक की जानकारी पता करिया ना, तो मेरे जानकारी के हिसाब से बोले 120 टॉयलेट, और नहाने के लिए वॉशरूम जो होता है ना वो टोटल 20-30 होगा। तो ये देखो इधर का भी बेड, मतलब बेड कितना ही अच्छा वाला आरामदायक बेड है ना, वो आप लोग बैठ के ही देख सकते हो। ये देखो स्पंज अच्छा हो रहा है, फोम वाली बेड है, तो अच्छा है, फिर भी अच्छा क्वालिटी है, निःशुल्क में इतना काफ़ी है, एनफ है गाइस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेड है, जो कि ज़्यादा श्रद्धालु आ जाएंगे ना उनके लिए एक्स्ट्रा बेड है। प्लस देखो सारा एकदम फैन, मतलब दो रो के ना बीच में फैन दिया हुआ, ताकि दोनों बेड में अच्छे से हवा डिवाइड हो, हर दो रो के बीच में ना एक एक फ़ैन ऊपर के साइड लटकाया हुआ, ताकि हवा दोनों तरफ जाए और सारे लोग को हवा लगे। तो अभी मैं आपको टॉयलेट की तरफ लेके चलता हूँ, टॉयलेट भी दिखाता हूँ इधर का। नीचे का मैट देखो ना, तो नीचे के साइड प्लाई दिया हुआ, प्लस ऊपर से कारपेट बिछाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे के साइड से देख रहे हो पैर चल रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चलने में। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो टॉयलेट ये सब है, ये तो सिर्फ एक रो में, मतलब आप लोग काउंट कर सकते हो कितना है। ये सारा टॉयलेट है, ये देख लो इधर के साइड, पीछे की साइड आओगे ना जो रहने वाला है ना, सोने वाला बेड है ना, उसके जस्ट पीछे में ही अपना टॉयलेट है। ये तो टॉयलेट इतना हो गया, बस ये इतना ही मत काउंट करना, अगर काउंट करोगे ना तो दो तो नहीं भी, तो मानो इसमें शायद 20 या फिर 30 होगा टॉयलेट, बस एक रूम में इधर के साइड, दो सारा कुछ नीचे के साइड, मतलब इधर जा सकते हो आराम से पैदल चल के, यहाँ से उड़ के थ्रू बनाया हुआ, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है चलने में, ये भी नीचे लकड़ी रखा हुआ, प्लस ऊपर से प्लास्टिक मारा हुआ,
ताकि पानी वानी से कुछ खराब ना हो। उसके बाद इधर देखो ना, तो इधर इधर स्नान करने के लिए, स्नान करने का भी सुविधा इधर दिया हुआ है। ये देखो इधर बन रहा है स्नान करने वाला, प्लस पीछे के साइड से भी स्नान करने वाला। तो ये इधर स्नान करने वाला थोड़ा सा कम होता है, लेकिन टॉयलेट ज़्यादा क्वान्टिटी में दिया गया क्योंकि टॉयलेट का यूज़ ज़्यादा होता है स्नान करने में, मतलब मैनेज हो जाता है स्नान में, इसी कारण से इसमें थोड़ा सा कम है। बट टॉयलेट का कोई भी कमी यहाँ पे नहीं किया गया, जितना हो सकता है उतना ही ज़्यादा ये लोग टॉयलेट का इंतजाम करवा रहे हैं। और भी देखो इधर और भी टॉयलेट है, लाइक आगे पीछे दोनों साइड डिवाइड करके किए कि एक्स्ट्रा टॉयलेट मिल सके सारे लोग को। सो ये देखो ये कुछ टॉयलेट है इधर के साइड, और फिर इधर नहाने वाला वॉशरूम है, लाइक जो नहाते हैं वो इनका वॉशरूम, और फिर वॉशरूम कुछ ऐसा होता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ये होगा, आराम से यहाँ पे खड़े रहो और ऊपर से जो भी होगा सावर ही सब आएगा, वो आपको नहाना है उसी से, सावर से ही नहाना है, तो वो फिक्स होगा। प्लस पानी नीचे गिरने वाला, ये देखो कुछ नीचे से होल किया हुआ है, तो बस ऐसा कुछ है रहने वाला। कि जस्ट पीछे में आपको इधर के साइड से ना और पीछे से भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो फ्रंट से है ना, तो एक आगे एक पीछे भी किया हुआ है। तो ये स्नान करने वाला पीछे, शायद इसके पीछे टॉयलेट वाला होगा, और वॉशरूम जाओगे टॉयलेट जाओगे तो उसके लिए पानी चाहिए ना। तो ये देखो टैंकर कैसे लगाया हुआ है, पानी का सिंटेक्स, यहाँ से पानी आएगी सारा जगह, यहाँ के पाइप के थ्रू डिवाइड किया जाएगा, प्लस यहाँ भी पानी का नल लगाया हुआ है। पानी यहाँ से लेके जाएंगे सारे लोग नहाने के लिए, या फिर चालू किया हुआ है ये? अच्छा ये नल चालू किया हुआ है फिलहाल, बट यहाँ से पानी लेके जाएंगे। अंदर पानी अलाउ होगा ना नहाने का? अंदर पाइप जाएगी या फिर यहाँ से पानी लेके जाना है? अंदर भी पाइप जाएगी ना, सो यहाँ से कनेक्शन होगा शायद, यहीं से अंदर जाएगी सारा वॉशरूम। ये देखो ये टॉयलेट है, मैंने बोला था ना आगे पीछे दोनों के साइड से, तो क्वांटिटी इसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो बहुत सारे श्रद्धालु लोग आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा ही चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा ही किया गया यहाँ पे प्रबंध। मतलब काउंट कर लो ना, या तो 125 अप्रोक्स बोले थे भैया ने, और 125 में को लग भी रहा है, लाइक उससे कम नहीं लग रहा, ऐसा लग ही रहा कि 125 है। प्लस भैया लोग, ये लोग प्लास्टिक नीचे बिछा रहा है, मैंने बताया था ना लकड़ी को बचाने के लिए, भाई पानी से प्लास्टिक तो डालना ही पड़ेगा। प्लस ये देखो कुछ टॉयलेट ऐसा हो चुका है, लेकिन इसको फिक्स करके सही कर दिया जाएगा। प्लस इधर देखो नहाने वाला एक और ये देखो पाइप भी पीछे दिया हुआ पानी निकास का, तो इसीलिए। और प्लस इधर के साइड देखो पेंट वेंट भी जोरों शोरों से चल रही है भाई, जो आने वाली है ना 22 जुलाई 22 जुलाई काफ़ी धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा। तो यार ये वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना यार, जो भी नहीं देखे होगे ना प्लीज़ देखना, और जो नहीं देखे होंगे ना उनको प्लीज़ अगर देख रहे हो तो शेयर कर देना इस वीडियो को। सो गाइस देख लिए ना, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इसमें ना बेड तो आप लोगों को मैंने कल दिखाया था नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, बट ये वाली वीडियो में आपको टॉयलेट वॉशरूम सारा कुछ दिखा दिए गाइस। तो बस इतना ही कुछ है, प्लस उधर और भी जोर शोर से काम चल रही है, उधर और क्या बन रहा है मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट जो भी अपडेट आएगी ना वो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, अगले वीडियो में देता रहूँगा सारा अपडेट। सो अभी देखो उधर के साइड और भी कुछ काम हो रहा है, सो इधर भी आपको जो प्लास्टिक आता ना वो इधर पे भी बिछेगी, तो ये कब पिसती है बस कब लगती है ये तो आगे ही पता चलेगा। बस यहाँ के लिए कुछ यही अपडेट है गाइज, और जैसे जैसे और भी कुछ बनता जाएगा ना वैसे वैसे आप लोग को और भी अच्छा अच्छा सा अपडेट देते जाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ जो भी हमारे इस चैनल पे नए बंदे, आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी ना उसका वीडियो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगा, क्या क्या सुविधा और भी नया नया आ रहा है, तो उसका लुत्फ आप लोग उठाओगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी यहाँ आने वाले हो ना वो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारा अच्छा अच्छा सा अपडेट अपन लोग कोठिया धाम से देते रहें कोठिया मोड़ से, प्लस बाबा धाम का जो भी अपडेट है सारा अपडेट मैं आप लोग को देता रहूँगा, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें, सो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, बम भोले, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। जैसा कि देख सकते हो ये दूसरा वाला है निःशुल्क, बिल्कुल भी बिना पैसा का, आप लोग यहाँ पे भी रह सकते हो। जैसा कि मैंने इधर वाला दिखाया था ना, इस पर मैंने सारा कुछ दिखाया था, तो सेम एज इट इज जैसा उसमें है ना अंदर के साइड, वैसा ही फैसिलिटी आपको यहाँ भी मिलने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग है ना कि अभी यहाँ पे जनरेटर लग चुकी है, और यहाँ पे कोई काफ़ी कुछ मतलब उससे ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, लाइक पाइप बाथरूम में लगना स्टार्ट हो चुका है, उधर के साइड अभी पाइप लगना स्टार्ट नहीं हुआ है।